हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आपका दोस्त डॉक्टर अली अनवर कुरैशी और आज आया हूँ आपके सामने एक नया टॉपिक के बारे में बात करेंगे। दोस्तों दोस्तों आज हम जिस विषय के ऊपर बात करने वाले हैं वो विषय है लूज मोशन इन पीडियाट्रिक। पीडियाट्रिक्स बच्चों में जो लूज मोशन होते हैं, इट कुड बी ड्यू टू इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, इट कुड बी ड्यू टू एनी इन्फेक्शन, इट कुड बी वायरल इन्फेक्शन और इट कुड बी एनी अदर इन्फेक्शन फ्रेंड्स। तो उस कंडीशंस में जो हमें चीज़ें करना है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि लूज मोशंस कितने हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, उसके हिसाब से जो है हमें उसका डाटा कलेक्ट करना है फ्रेंड्स। मतलब बच्चे को जो है लूज मोशन कितने हैं उसके हिसाब से हमें उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। लूज मोशन के साथ पतले संडास के साथ जो है वॉमिटिंग भी है क्या उसको, उस हिसाब से हमें उसका ट्रीटमेंट करना है। एनी लूज मोशंस कब कहते हैं फ्रेंड्स, जब तीन मोशंस से ज़्यादा अगर मोशन हो, व्हेन द स्टूल इज थ्री टाइम्स वाटरी स्टूल और एनी टाइप ऑफ स्टूल पासिंग मोर देन थ्री टाइम्स, देन इट इज़ कॉल्ड डायरिया और लूज मोशन। तो डायरिया जब होता है फ्रेंड्स, तो डायरिया का चिल्ड्रन में ट्रीटमेंट क्या क्या करना है, उसके अलग अलग टेक्निक है फ्रेंड्स। तो ये ट्रीटमेंट जो है दोस्तों डिहाइड्रेशन के ऊपर डिपेंड है, तो इसमें डिहाइड्रेशन के भी कुछ प्रकार बनाए गए हैं, नो डिहाइड्रेशन, सम डिहाइड्रेशन और सीवियर डिहाइड्रेशन। अभी के ये रिसेंट टाइप्स ऑफ डिहाइड्रेशन हैं फ्रेंड्स, पहले इसका जो है माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर ऐसा क्लासिफिकेशन था, बट अभी का जो है नो डिहाइड्रेशन, सम डिहाइड्रेशन और सीवियर डिहाइड्रेशन। दोस्तों डिहाइड्रेशन का हम जो है एक अलग वीडियो में बात करेंगे। आज जो है मैं मोस्टली पीडियाट्रिक जो बच्चे हैं उनमें डोज एडजस्टमेंट कैसे करेंगे और उनका प्राइमरी लेवल ऑफ ट्रीटमेंट क्या है वो बताने के लिए मैं आ जाया हूँ फ्रेंड्स। कोई भी बच्चा दोस्तों 6 महीने के ऊपर हो या 1 साल के ऊपर हो और 5 साल के अंदर हो, तो उसको जो है हम ORS देंगे डेफिनेटली, और उसको जो है हम लैक्टिक एसिड बैसिलस के सैचेट देंगे, जैसे कि बहुत से सैचेट मार्केट में अवेलेबल है फ्रेंड्स। स्पोरोलैक सैचेट है, डैरोलैक है, इकोनॉम है, रेसिजिलियस भी सैचेट है। ऐसे जो सैचेट्स मिलते हैं जिसको हम प्रोबायोटिक या प्रीबायोटिक कहते हैं फ्रेंड्स, वो फ्रिक्वेंसी और वाटर जो है वो स्टूल का कम करते हैं और लैक्टिक एसिड बैसिलस जो हमारे जी आई ट्रैक्ट में से कम हुए हैं उसको भी वो बढ़ाते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है हमें उसे लैक्टिक एसिड बैसिलस के सैचेट देना है, ORS का पाउडर देना है, ORS लिक्विड बनाकर देना है उसे। उसके साथ में बच्चे को हमें जिंक स्टार्ट करना है, जिंक जो है जिंक सल्फेट या जिंक ग्लूकोनेट जो है सिरप के फॉर्म में मिलता है फ्रेंड्स, वो भी बच्चे को स्टार्ट करना है। और साथ में अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर है और फीवर है तो फीवर के हिसाब से फीवर का भी हम ट्रीटमेंट देंगे, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन है दोस्तों तो उस हिसाब से हमें एंटीबायोटिक भी देना है। तो बेस्ट एंटीबायोटिक फॉर लूज मोशन इज़ ओफ्लोक्सिसिन, मेट्रोनिडाजोल, फ्यूराजोलिडोन, ये जो है ये बेस्ट एंटीबायोटिक्स हैं फ्रेंड्स। सिरप के फॉर्म में भी अवेलेबल है, O2 या नाम का सिरप मिलता है वो बच्चे को आप दे सकते हैं। तो O2 दे, साइक्लोपाम सिरप दे, न्यूट्रिलिन भी सिरप भी मिलता है या लैक्टिक एसिड बैसिलस सैचेट भी मिलते हैं, ये भी आप बच्चों में दे सकते हैं फ्रेंड्स। और ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन जो कि WHO का गाइडलाइंस है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम और ग्लूकोज, ये 4 कंटेंट से ORS बना है। और ये ORS जो है ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का रिकमेंडेड सॉल्यूशन सैचेट है और ये स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है फ्रेंड्स। ये डिहाइड्रेशन को मेंटेन करता है और कोई भी एक्यूट ट्रीटमेंट में सबसे पहले ORS का ही यूज़ करेंगे फ्रेंड्स, बाद में जिंक का यूज़ करेंगे, लैक्टिक एसिड बैसिलस सैचेट या सिरप का यूज़ करेंगे, O2 देंगे, मेट्रो तो O2 में ही अभी मिल रहा है फ्रेंड्स, फ्रोजनोडॉन भी दे सकते हैं, उसका जो है हाइड्रेशन मेंटेन रखेंगे। अगर ये ट्रीटमेंट पर बच्चों का लूज मोशन अगर कम है तो ठीक है, नहीं तो फ्रेंड्स उसे हम नेक्स्ट स्टेप जो है उसका अगर स्नो डिहाइड्रेशन सम डिहाइड्रेशन में है और ये ट्रीटमेंट पर काम होगा ठीक है, नहीं अगर सीवियर डिहाइड्रेशन में गया तो उसको IV फ्लूइड्स हम लगाते हैं फ्रेंड्स। तो ये इस हिसाब से हमें बच्चे का डायरिया को करेक्शन करना है फ्रेंड्स। और बच्चों में जब डायरिया हो या लूज मोशन हो तो उसे नेग्लेक्ट ना करें, उस पर ध्यान दें। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।